स्टॉक है आपकी नजर में जो भारत में इस तरह से सर्किट टू सर्किट ऊपर चल जाए, एक ही दिन में पैसा बना कर दे? मॉर्निंग वीरू जी, मेरे ख्याल से अगर कोडक जैसे स्टॉक ढूंढने हो तो मुनाफे की तैयारी देखा करिए। आई थिंक यहाँ पे अच्छे खासे स्टॉक मिलेंगे आपको कोडक जैसे। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, आई थिंक जो आप पॉजिटिविटी लाते हैं भीम गुरु जी और एनर्जी लाते हैं, आई थिंक वो सराहनीय है। मुझे इतने कमेंट्स आते हैं कि आई थिंक आवाज में हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि वीरू जी, हेमंत जी, आई थिंक इतनी पॉजिटिविटी लाते हैं स्क्रीन पे, वो देख के ही दिल खुश हो जाता है। तीसरा तीसरा आई थिंक जो आप बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ द मार्केट सेल्फ, जो आपकी आई थिंक एक रणनीति रही है इन टर्म्स ऑफ पिकिंग अप थीम्स एंड हैविंग अ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, आई थिंक ये बहुत लाजवाब तरीके से काम किए हैं पिछले कुछ महीनों में। एंड आई थिंक द सेम अप्रोच दैट यू आर फॉलोइंग, आई थिंक जहाँ पे आई थिंक फोकस है, जहाँ पे अर्निंग स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, वी हैव बीन सेइंग दिस ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, और मेरी राय आपकी राय से भी मिल रही थी, आई थिंक यहाँ पे रहना विद द स्ट्रॉन्गर सेक्टर्स मेक सेंस। दूसरा, जहाँ पे सरकारी आई थिंक खर्चे हो रहे हैं, जहाँ पे केपेक्स हो रहा है सरकार की तरफ से, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग हो, डिफेंस हो, और जो आत्मनिर्भर भारत की मुहिम छेड़ी गई है, यहाँ पे आई थिंक आने ही आने हैं इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, एंड गवर्नमेंट विल इंश्योर कि एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांगली हो अगले कुछ क्वार्टर्स में टू प्रॉब्ली हैव अ लार्जर से विद इन दिस एंटायर थीम इटसेल्फ। तो मुझे लगता है आई थिंक स्पेसिफिक डिफेंस स्टॉक्स भी नजर में रहेंगे। स्पेशलिटी केमिकल्स हमें काफी पसंद आ रहे हैं, काफी महीनों से हम अभी भी बुलिश है ये पूरी थीम पे, क्योंकि हमें लगता है आई थिंक अर्निंग्स विल होल्ड अप वेरी वेरी स्ट्रांगली, और जो चाइना से मार्केट शेयर गेन्स कंपनी ऑलरेडी कर चुकी थी, इसका ट्रैक्शन एक्सपोर्ट मार्केट्स में और मिलेगा। चुनिंदा आई थिंक सीमेंट कंपनियां जैसे वीरू जी कह रहे थे, आई थिंक दैट ऑल्सो विल हैव अ ह्यूज ह्यूज से गोइंग फॉरवर्ड, ये तिमाही फैक्टर इन हो गई है क्योंकि आई थिंक नंबर्स खराब आने की उम्मीद थी पर नंबर्स बेहतर आए हैं। अगला क्वार्टर आई थिंक थोड़ा सॉफ्ट रहता है बट सेकंड हाफ में रिकवरी जबरदस्त हो सकती है। तो आई थिंक चंबल फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर, एनएफएल फर्टिलाइजर पैक में से आई थिंक एक जबरदस्त मोमेंटम दिखा सकते हैं। डिफेंस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्कीम्स, ITI, BEML, तगड़ी ऑर्डर बुक्स, एग्जीक्यूशन एंड डिवर्सिफाइड नेचर, मेट्रो का काम भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, डिफेंस का कारोबार है BEML में, ITI में टेलीकम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन। स्पेशलिटी केमिकल्स में SRF के नंबर्स हैं आज, पर मुझे लगता है कि इसका जो पैकेजिंग का कारोबार है, अगर आप रिजल्ट्स देखते हैं दूसरे कंपनीज के, मैक्स वेंचर्स के आप रिजल्ट देखें, आई थिंक तोड़फोड़ नंबर आए थे क्योंकि बोपेट और बोप प्राइसेस पैकेजिंग में आई थिंक जबरदस्त बढ़ी है। तो स्पेशलिटी केमिकल्स और पैकेजिंग दोनों का तड़का इसमें आता है। फार्मा में अजंता फार्मा पे ध्यान रखूंगा, सीमेंट में आई थिंक अल्ट्राटेक इज समथिंग दैट वी लाइक, जबरदस्त नतीजे थे। तो मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रखना चाहिए, और जैसे आप और वीरू खेलते हैं फ्रंट फुट पे आके, आई थिंक तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी है। पेश किए हैं, नो डाउट्स अबाउट इट, और मार्जिन्स 140 बेसिस पॉइंट बढ़ जाना, फ्लैट मार्जिन्स का एक्सपेक्टेशन था। मयूरेश जी बताइए कैसा लगता है भारतीय एयरटेल का स्टॉक और आज कैसा प्रदर्शन दिखाएगा? ब्रोकरेज हाउसेस भी यहां पर काफी बुलिश हैं, वो रिपोर्ट्स भी आपके सामने पेश करता हूं, लेकिन आपको नंबर्स कैसे लगे बताइए पहले। बहुत बढ़िया नंबर्स है हेमंत जी, और जैसे आशीष जी बता रहे थे सारे पैमानों पे आई थिंक दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। रेवेन्यू ग्रोथ हो, इबिटा मार्जिन जो 44.4% पे आए हैं, और आई थिंक जो नेट डेट टू इबिटा लेवल्स भी है, दे आर एट 2.74%, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट गए हैं फ्रॉम 2.88%। तो प्रोविजनिंग का जो इन्होंने आंकड़ा दिया है 10,800 करोड़ का, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड साइन, क्योंकि आई थिंक दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग फॉर द एजीआर ड्यूज दैट आर एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू। जैसे हम लैंडस्केप देख रहे हैं, जो घर पे बैठ के ऑफिस का काम चल रहा है, डेटा कंजम्पशन जो बढ़ा है, जो गीगाबाइट्स आशीष जी बता रहे थे इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन पैरामीटर्स, और जो अफ्रीका बिजनेस होल्ड अप कर चुका है रेवेन्यूज, कस्टमर एडिशन और मार्जिन के हिसाब से, मुझे लगता है आई थिंक हम काफी पॉजिटिव रहेंगे। मैं सुबह नीरज के टारगेट देख रहा था, 600 रुपए के टारगेट है, तो पहले नीरज जी की टारगेट आने दीजिए, उसके बाद हम बुलिश रहेंगे 600-610 के ऊपर, क्योंकि हमें लगता है आई थिंक स्टॉक में काफी स्टीम है 700-725 जाने के। मयूरेश आपकी रे, पहले इंडिगो से शुरुआत करते हैं। नंबर्स जिस प्रकार के हैं, स्टॉक ऑलमोस्ट अपने हिस्टोरिकल प्राइस से आधा, ये नंबर्स आपने देखे, कल स्पाइसजेट के नंबर्स बेहद बेहद कमजोर रहे, उसके बाद आपकी जो इस वक्त जिस लेवल पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट आपकी एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कॉस्ट होती है, जिसमें आपकी अगर आप देखें लीज है, जिसके अगेंस्ट आपके पार्किंग चार्जेस हैं, आपकी राय क्या है? आई मीन 909 के प्राइस पर भी अभी सीवियर डाउनसाइड का थ्रेट है इस स्टॉक में, आपको लगता है अभी इन नंबर्स के बाद? और जिस तरीके से कल आई थिंक एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें कहा गया है कि 2024 तक IATA ने ये कहा है कि ये पूरा का पूरा जो यात्रियों के चलने का क्रम है ये रिस्टोर नहीं होगा प्री कोविड तक का, आपकी राय क्या है इंडिगो पर?
नहीं बिल्कुल वीरू जी, यानी एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक पहले 2022 या 23 का इन्होंने लक्ष्य दिया था, एक साल से इन्होंने बढ़ा दिया इन टर्म्स ऑफ रिकवरी प्रोसेस फ्रॉम एन आईटा स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा आई थिंक अगर आप देखते हैं जो फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट होता है, आई थिंक ये काफी भारी मात्रा में इनके ऊपर आई थिंक प्रभावी रहता है। यानी एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक सेल एंड लीज बैक, पार्किंग चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, ये सारी चीजें आई थिंक इन पे दबाव डाल रही है। तीसरा आई थिंक विद फ्लाइंग रिस्ट्रिक्शंस और जो आई थिंक जनरल पब्लिक भी है उसको थोड़ा टाइम लगेगा विद हैविंग कॉन्फिडेंस ऑफ फ्लाइंग बैक। जो पार्शियल लॉकडाउन्स हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल लोकेशंस पे आप देख रहे हैं वहाँ लॉकडाउन्स हैं, आई थिंक दे आर नॉट इनकरेजिंग साइंस। फोर्थ आई थिंक इवन इंटरनेशनल राउट्स पे आई थिंक काफी एयरलाइंस आप देख रहे हैं, आई थिंक दे आर इधर फाइलिंग फॉर बैंकरप्सी या एडिशनल एड। इसको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक इंडिगो इवन इफ दे हैव कैश ऑन बुक्स ऑफ 18,559 करोड़, आई थिंक जो कॉस्ट कटिंग मेजर्स इनको करने पड़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और जैसे आई थिंक इनकी यील्ड्स है बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, ये जरूर अर्निंग्स पे दबाव लाएगा। दूसरा सिमिलर फॉर स्पाइसजेट, आई थिंक ऑडिटर्स ने आई थिंक वापस क्वेश्चन मार्क रेज किया है वेदर दिस कंपनी कैन बी अ गोइंग कंसर्न, क्योंकि लॉसेस वो बढ़ते ही जा रहे हैं। 19 में भी लॉस हुआ था, 20 में बिकॉज ऑफ द शटडाउन उसका भी लॉस इनको झेलना पड़ा था। तो काफी हद तक आई थिंक रिजल्ट्स प्राइस में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक देर विल बी एडिशनल प्रेशर फ्रॉम एन अर्निंग्स परस्पेक्टिव। शायद स्टॉक प्राइसेस दबाव में रहे, बट ये स्टॉक्स में आई थिंक खरीदने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तो आई थिंक थोड़ा दूरी रहना चाहिए एविएशन स्टॉक्स से एटलीस्ट एट दिस पॉइंट। और फर्टिलाइजर सेक्टर एक के बाद एक अच्छे नंबर्स वीरू पेश करता जा रहा है। आप देखिए जितनी भी नंबर्स आए और आज भी देखिए फोकस होगा इसी सेक्टर के ऊपर। स्टॉक 2020 में भी नीरज और मेरी टीम में देखिए हमने इसी के ऊपर भरोसा किया था। एनएफएल के नतीजे आज आने वाले हैं और पिछले हफ्ते नीरज का कल का खिलाड़ी आज भी था, क्या भागा था ये स्टॉक का। और कल भी देखिए फर्टिलाइजर कंपनियों में और केमिकल कंपनियों के ऊपर नजर होगी क्योंकि टाटा केमिकल और यूपीएल के नतीजे आएंगे। इस स्पेस पर मयूरेश जी का फोकस है। मयूरेश जी बताइए चंबल के नंबर्स आपको कैसे लगे, नवीन फ्लोरीन पर भी राय दीजिए प्लीज। बिल्कुल थीम गुरु जी, आई थिंक तोड़फोड़ नतीजे थे जैसे मैंने कहा, आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ आई आई थिंक जबरदस्त आई है। एनएफएल की जो आप बात कर रहे थे, जो इन्होंने प्रोडक्शन और सेल्स का नंबर दिया है प्रेस रिलीज में, आई थिंक तोड़फोड़ है। तो मुझे लगता है आई थिंक फर्टिलाइजर ये स्पेस जो आवाज ने कुछ महीनों पहले पकड़ा था, आई थिंक दिस इज कंटिन्यूइंग इट्स फैबुलस मूव। तो आई थिंक बिल्कुल पॉजिटिव रहूंगा ये सारे स्टॉक्स के ऊपर, चंबल हो, एनएफएल हो। दूसरा आई थिंक नवीन फ्लोरिन की जो आप बात कर रहे थे, आई थिंक जो नंबर से उभर के आ रहा है वापस, जो इनका आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल का कारोबार है और जो मिक्स है इनके कारोबार में, आई थिंक दैट इज एक्सपेक्टेड टू डू वेरी वेरी वेल। तो क्रैम्स और स्पेशलिटी कारोबार हाई मार्जिन बिजनेस रहते हैं, इस पे सुधार देखना आई थिंक लाजमी है। दूसरा आई थिंक जो फ्लोरोकेमिकल्स का बिजनेस है, आई थिंक जो रेफ्रिजरेशन का बिजनेस है, जो एसी गाड़ियों में एसी की गैसेस लगती है, रिप्लेसमेंट मार्केट हैज हेल्ड स्ट्रॉन्ग, ओईएम थोड़ा कच्चा है। तो आई थिंक नंबर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इनको जो नया प्रोजेक्ट मिला है उसका केपेक्स अच्छा खासा चल रहा है जो FY23 से आंकड़ों में आएगा, तो आई थिंक पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा नवीन फ्लोरिन, ये मेरी उम्मीद है। RVNL तो ठीक नंबर्स लगे, राइट? अच्छे नंबर्स हैं, तो Q4 वाले नंबर्स बराबर है, तो RVNL Q4 है तो अच्छा नजर आया। लेकिन ये बैक बेंचर्स तो काफी ज्यादा हो गए हैं आशीष, आपने बताया C8 इंटरग्लोब, TVS मोटर, GVSK, लंबी लिस्ट है। तो सेक्शंस होते थे स्कूल में A B C D, ये डी क्लास के नंबर आ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। हमारे यहाँ क्या होता था सेक्शंस में, ऐसे सब बच्चों को हम सबको अलग अलग क्लास में बांट दिया जाता था ताकि बैलेंस आउट हो जाए, सारा का सारा एक ही सेक्शन में चला गया, ये सारा एक ही सेक्शन में चला गया। तो ये बात तो सही है, हर क्लास में बैक बेंचर्स होते हैं, लेकिन आशीष हमेशा ये कहते हैं कि बैक बेंचर्स कुछ कुछ अच्छे निकलते हैं आगे चलकर, इसके उदाहरण आपके सामने हैं। उदाहरण एक और है, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे साथ कई सारे बैक बेंचर दोस्त थे जो यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में है। हाँ सही बात है, तो देखिए कुछ कुछ बैक बेंचर्स अच्छे हो जाते हैं। मैं भी उदाहरण हूँ, मैं भी पीछे ही बैठा करता था, तो बैक बेंचर ही था। ये बताइए मयूरेश जी, इनमें से कौन सा बैक बेंचर आगे चलकर कमाल दिखाएगा? और ये मजाक का मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आए, ये जो नंबर्स हैं ये Q4 के हैं। फीनिक्स मिल्स सबको पता था नंबर्स ढीले आएंगे क्योंकि मॉल में लोगों ने देखिए अपने जो किराया है वो नहीं दिया। अब हम अनलॉक के फेज में आ रहे हैं, खासतौर पर आज जब हम बात कर रहे हैं तो कल शाम को खबर ये आई है कि 5 तारीख से मॉल्स मुंबई में खुल रहे हैं। क्या ये एक बैक बेंचर बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है? क्या आपको लगता है टीवीएस मोटर और सीएट आगे चलकर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं क्योंकि टू व्हीलर्स की डिमांड बढ़ेगी? ये सारे सवाल हैं सब लोगों के जहन में। आप डॉक्टर हैं, आप बताइए कैसे देखते हैं इन बैक बेंचर्स के नंबर्स को? सर उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मैं खुद एक बैक बेंचर था, आई थिंक घर पे तकलीफ हो तो तकलीफ अगले साल जाएगा कि नहीं
तो जहां पे आशीष जी ने विश्लेषण किया है और जैसे भी आपने राइटफुली कहा, आई थिंक जो नंबर्स हैं जैसे टीवीएस मोटर के थे, आई थिंक काफी हद तक Q1 और Q4 के आंकड़े आई थिंक सॉफ्ट रहने की उम्मीद थी। आई थिंक तो बाजार मान के चल रहा है कि ये सॉफ्टनेस कंटिन्यू होने वाला था। अभी हमें देखना है कि रिकवरी कब से आएगी और सेकंड हाफ से आई थिंक रिकवरी अच्छी खासी आ सकती है, जैसे मॉडल्स टीवीएस मोटर के पास आज है और जैसे एक्सपेक्टेशन है एक्सपोर्ट मार्केट से पिकअप करने के लिए। मुझे लगता है आई थिंक अगर हम नंबर्स को डिस्काउंट करें और फॉरवर्ड नंबर्स देखते जाएं तो शायद एक चुनिंदा पिक हो सकती है। सिमिलरली फॉर फीनिक्स मिल्स, आई थिंक काफी कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं लॉकडाउन को लेके, लीज लेंटल्स को लेके, रीनेगोशिएशंस को लेके, तो मुझे लगता है आई थिंक बहुत बढ़िया प्लेस कंपनी। इनके जो मॉल्स है बॉम्बे में, एज द अनलॉक 3 फेज स्टार्ट्स ओपनिंग अप और सेकंड हाफ में जैसे रिकवरी आएगी, थोड़ा भाव अभी दिखेगा नहीं बट आई थिंक प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। तो सारे बैक बेंचर्स बुरे नहीं होते आई थिंक कुछ कुछ हमारी तरह आई थिंक अच्छे भी निकलते हैं। और एक कॉम्प्लीमेंट आशीष को देना चाहता हूँ, आई थिंक वो सोते हैं कि नहीं सोते, क्योंकि मैंने भी कल नंबर्स काफी देखे, 1 बजे सोया हूँ बट ये सारे नंबर्स ट्रैक नहीं कर पाया। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू आशीष जी, जबरदस्त। इसके अलावा जैकपॉट भी है, आप समझिए, ये तो मैं देखता हूँ आशीष की आंखों का साइज बढ़ता जा रहा है, तो सूझती जा रही है आंखें पर। आपकी प्लानिंग है कि आप वीकेंड पर मॉल वगैरह जरूर जाएंगे, 5 तारीख से देखिए मॉल्स खुल रहे हैं। और ये बात अलग है कि सिनेमा घर नहीं खुल रहे हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ें देखिए, रेस्टोरेंट्स और ये तो डिलीवरी भी देखिए करते हैं, ये स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले 2 दिनों से विरूप जो शुभम जी हैं, ये कभी कॉफी पीते हैं तो कभी देखिए आपको टाटा ग्लोबल कहते हैं खरीदिए, और क्या जबरदस्त रैली 2 दिनों में देखिए टाटा ग्लोबल ने दिखाई। कभी पिज्जा खाने की बात कर रहे हैं, यानी कंजम्पशन के ऊपर इनका पूरा फोकस है। मयूरेश जी बताइए आपका फोकस कहाँ पर है? नहीं बिल्कुल, खा के हेमंत जी पहले तो आई थिंक 1.5-2 किलो वजन बढ़ा है पिछले कुछ भी बढ़ा है। ये आपने बिल्कुल दुखती रख पर हाथ रख दिया। FMCG पे फोकस बिल्कुल रहना चाहिए। आई थिंक आज डाबर के नतीजे जरूर है, मैरिको के जैसे नंबर्स आए थे और जैसे इन्होंने कमेंट्री दी थी, जो एक्सपेक्टेशन है वॉल्यूम ग्रोथ के आगे जाते वक्त, और जो पैकेजिंग में आई थिंक नियम बदले जा रहे हैं, आई थिंक जो अनपैक्ड चीजें हैं, जो फिल्टर्ड चीजें होती हैं आई थिंक अनऑर्गेनाइज मार्केट से, आई थिंक वहां पे आई थिंक एक अच्छा खासा दबाव आ सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक एफएमसीजी पे थोड़ा फोकस रहना चाहिए। डाबर के आज अक्सर नतीजे और प्राइस एक्शन अच्छा दिखा तो डाबर, ब्रिटानिया यस आई वुड अग्री विद शुभम जी, आई थिंक जो नतीजे उन्होंने पेश किया और जो एक्सपेक्टेशन है, आई थिंक आई विल ऑल्सो गो डाउन विद ब्रिटानिया एफएमसीजी। देखिए दोनों ही हॉस्पिटल स्टॉक्स और दोनों में अपोलो कॉमन है, ये तो 10% लग जाएगा, थोड़ी देर वक्त की बात है। इंद्रप्रस्थ मेडिकल एक बार पूछता हूँ फंडामेंटली हमारे रिसर्च गुरु जी से, बताइए मयूरेश जी ये हो क्या रहा है हॉस्पिटल स्टॉक्स में इतनी तेजी के पीछे के कारण? गुरु जी आई थिंक जो पिछले तिमाही के नतीजे थे और जो आई थिंक हॉस्पिटल्स में आई थिंक भर्ती नहीं हो पा रही थी, आई थिंक वो शायद रिजल्ट्स और नंबर जस्टेड कर लिया मार्केट ने। अभी जैसे आशीष जी बता रहे आई थिंक जो इलेक्टिव सर्जरीज रहती हैं यहाँ पे आई थिंक फोकस आएगा, एंड इलेक्टिव सर्जरीज हैव बिल्ट अप प्रीटी फास्ट। तो आई थिंक जितनी सर्जरीज डिले हुई हैं पिछले कई महीनों से, जैसे आई थिंक आने लगेंगी अगले कुछ महीनों में, ये सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स आई थिंक फोकस में रहने वाले हैं। दूसरा आई थिंक अगर आप देखते हैं कि फॉर स्टॉक लाइक अपो द हॉस्पिटल एज एन एग्जाम्पल, इनका फार्मेसी का जो बिजनेस है वो ठीक ठाक कर रहा है, अगर ये डीमर्ज होता है तो बहुत बढ़िया बात है, बट स्टैंड अलोन बिजनेस एंड रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड आई थिंक ये इंप्रूव होने के चांसेस है। और थर्ड, जैसे आई थिंक अनलॉक होगा खुला इंटरनेशनल लेवल पे भी, आई थिंक मेडिकल टूरिज्म विल कम बैक, तो मुझे लगता है आई थिंक एक बहुत स्ट्रांग फोकस है। टेक्नो फंडा जो आप पूछ रहे थे एक लॉजिक हो सकता है ट्रेड के हिसाब से, आई थिंक मैं सर्किट गुरु जी के साथ रहूंगा, हमारा भी फोकस आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल पे है, 1700-1705 के आसपास के टारगेट्स। राइट, तो यूपीएल बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, बाकी के स्टॉक्स भी एक बार देख लेते हैं, टाटा केमिकल भी दिखाई डॉक्टर साहब, ये जो कल हम लोग आखिरी सौदा में इन सारे शेयरों की बात कर रहे थे कि नतीजे अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन में ये भाग रहे हैं, तो कल नंबर्स आने वाले हैं और देखिए ये 2 दिन से भाग रहे हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। यूपीएल दिन के हाइस पर, टाटा केमिकल हरे निशान में है, आज आएगा SRF के नतीजे, और SRF भी देखिए जनरली मार्केट बंद होने के बाद नतीजे आते हैं, और कल से देखिए स्टॉक में भी तेजी देखने को मिल रही है और इसकी भी खूब चर्चा हुई है। अच्छा SRF अगर आप लोग सोच रहे हैं क्या कंपनी है कौन सी है, तो आप लोगों के घरों में जो फ्रिज है उसके अंदर की गैस जो है वो देखिए वो यही कंपनी बनाती है, सीधा सरल तरीका है याद रखने का। और इसका अगर 1 साल का चार्ट दिखाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, जितना लंबा चार्ट हो SRF का उतना आपको कॉन्फिडेंस आता है इस स्टॉक में, और क्या शानदार रैली इस शेयर ने दिखाई है। अच्छा मैंने कई बार देखा, कभी कभी खराब खबरें भी आई, मुझे याद है एक बार इनकी एक यूनिट में आग वगैरह लगी थी और उस समय देखिए हम लोग यही कह रहे थे खरीदिए स्टॉक को,
और देखिए वीरू ये 12 महीने का चार्ट दिखा रहा है, ये जो गिरावट है ये पूरे बाजार में आई थी लोअर सर्किट जब लगे थे 23 मार्च के आसपास का लो, और वहां पे अगर आप अच्छे शेयर खरीदें तो किस तरह के रिटर्न्स देते हैं, तो आप देखिए ये लगभग वहीं पर पहुंच रहा है उसी पीक पर जहां से ये गिरा था, तो उसी चोटी पर देखिए ये जाने की कोशिश कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए इससे बढ़िया शेयर मेरे ख्याल में केमिकल स्पेस में है नहीं, और मयूर जोशी जी इसके ऊपर गहरी पकड़ रखते हैं क्योंकि हमेशा से उनकी तेजी वाली राय इसके लिए रही। अब आज नतीजे कैसे आएंगे ये देख लेते हैं, लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में तो पक्का होना चाहिए अगर आप केमिकल स्पेस पर बुलिश हैं। मयूरेश जी आप इत्तेफाक रखते हैं मेरे ख्याल में इस राय से, आपने भी कई बार कहा है। बिल्कुल एमन जी, और मेरे ख्याल से आई थिंक नंबर्स कैसे आएंगे, लेकिन आई थिंक जो इसकी पैकेजिंग बिजनेस है जिसमें बार बार कह रहा हूँ 40-45% एबिट को कंट्रीब्यूट करता है, बोपेट और बॉप ये दो चीजें रहती हैं जो पैकेजिंग में यूज होती है, परफॉर्मेंस पैकेजिंग हो या प्रोटेक्टिव पैकेजिंग हो, ये दोनों की कीमतें जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। तो फार्मा कंपनीज, अन्य कंपनीज, केमिकल कंपनीज, आई थिंक ये सारा पैकेजिंग यूज करती है और ये सारे कंपनीज बेनिफिट करेंगे फ्रॉम द नंबर्स एक्सपेक्टेड। दूसरा जो इसका पास तड़का है वो है स्पेशलिटी केमिकल्स का, तो आई थिंक 20-25% के बेस पे भी ग्रो करने की चाहत रखते हैं। तीसरा जैसे आपने राइटफुली कहा, जिसके घर पे फ्रिज है वहां पे आई थिंक जो गैस लगती है वो आई थिंक एसआरएफ प्रोवाइड करती है, तो जो आई थिंक फ्लोरोकेमिकल्स का बिजनेस है और इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स का रिप्लेसमेंट मार्केट अभी भी तगड़ा है, सो एसी के लिए गैसेस हो, गाड़ियों के लिए हो या फ्रिज के लिए हो, तो मुझे लगता है दोनों सिलेंडर्स पे स्पेशलिटी केमिकल्स और पैकेजिंग पे ये फायर करेंगी। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी राय से, आई थिंक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पिक है। के ऊपर रखिएगा नजर, ये स्पेस अगर आप पीछे मुड़के देखें तो सीमेंट, केमिकल, फर्टिलाइजर, इन सब ने बहुत ही बढ़िया नतीजे इस बार पेश किए हैं। लेकिन केडला भी एक बार दिखाइए डॉक्टर साहब, बजीन साहब का ये मंगलवार का ट्रेड था, वो कह रहे थे कि यहाँ पर भी देखिए खूब पैसे आपके बनेंगे, और मंगलवार को ये दिया गया था 357 रुपीज के भाव पर, तो केडला में भी देखिए एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, बढ़िया प्रदर्शन। ये स्टॉक भी आज फिर से देखिए लगाता हुआ नजर आ रहा है, तो आज तो दिन देखिए फार्मा और आईटी का है, और ये सारे के सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में करते हुए आपको दिखेंगे, तो अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अच्छा हॉस्पिटल स्टॉक्स की हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कल आएंगे डॉक्टर लाल पैथलैब और थायरोकेयर के नतीजे भी, तो देखिए ये वो फार्मेसी वाली स्पेस है जिसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, और ये टफ एनवायरमेंट में सब लोगों ने देखिए जो इस्तेमाल किया है वो टेस्टिंग को इस्तेमाल किया है, तो इस तरह के स्पेस पर भी आपकी नजर जरूर होना चाहिए। हालांकि काफी चले भी हैं ये स्टॉक्स डॉक्टर साहब, हफ्ते हफ्ते भर के चार्ट दिखाए, थायरोकेयर तो पिछले कुछ दिनों से मेरी टीम में शामिल भी था और इसने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया भी है। मयूरेश जी आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा है इस स्पेस में, क्योंकि यहां पर भी खूब पैसे बने हैं, देखिए 7 दिन में 15-15% की तेजी थायरोकेयर में देखने को मिली है, हालांकि डॉक्टर लाल 7 दिन में नहीं चला है, आपका फेवरेट कौन सा होगा इन दोनों में से? मेरे ख्याल से आई थिंक डायग्नोस्टिक स्पेस अच्छी करनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि एंजाइटी जो है कोविड को लेके आई थिंक वो अच्छे को भी आई थिंक टेस्ट के लिए आई थिंक प्रभावित करेगी, तो आई थिंक डॉक्टर लाल अगर दोनों में से चूज करना हो तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। आई थिंक डायग्नोस्टिक मार्केट 90,000 करोड़ का है जो एक्सपेक्टेड है कि आई थिंक रीटच करेगा अगले 2-3 वर्षों में। दूसरा आई थिंक जो हॉस्पिटल चेन्स होती है उसके अलावा आई थिंक जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, डॉक्टर लाल हैज अ ह्यूज से विद इन दैट, और वो एक्सपैंड कर रहे हैं अपने ऑपरेशन। तीसरा आई थिंक जो कैश है बुक्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट 550 करोड़ की और कैश ऑन बुक्स, ये मार्केट कैप की अच्छी खासी परसेंटेज है और वो सपोर्ट करती है बैलेंस शीट ग्रोथ को। तो अगले कुछ तिमाहियों की हम बात करें तो मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया स्पेस है और डॉक्टर लाल परफेक्टली ये बिल को फिट करता है, तो आई थिंक डॉक्टर लाल के साथ चलना चाहूंगा। ये आपका कॉल था, और देखिए जितने भी कॉल सुबह से दिए गए हैं, एक बार टीसीएस भी दिखाइए डॉक्टर साहब, ये देखिए टीसीएस में क्या रैली देखने को मिली, और सब ये फंडामेंटली बढ़िया कंपनियां हैं, लिक्विड स्टॉक्स हैं, एफएनओ के शेयर हैं। अब देखिए टीसीएस ऐसे ही इसी स्पीड से चलता रहा तो 2342 का 52-week हाई ये लगा देगा अब, और आपने राजेश जी सुबह सुबह कहा था कि इसके ऊपर आप बुलिश हैं आईटी स्पेस में, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, केमिकल, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इवन सीमेंट देखिए, श्री सीमेंट हमारी टिकर टीम आपको दिखा रही है, श्री सीमेंट पर पिछले कई दिनों से देखिए हमारे ज्यादातर एक्सपर्ट्स बुलिश रहे हैं, और क्या आउट परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिल रहा है। आईटी में
नतीजों के बाद अगर कोई एक स्टॉक अगले नतीजों तक मयूरेश जी आपको खरीद कर रखना हो तो ये बताइए कौन सा होगा। ट्रेडिंग तो हम लोग खूब करते हैं लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करना हो, क्योंकि आईटी ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है और सबको देखिए कंसेंसस को गलत साबित करते हुए इवन मिड कैप आईटी कंपनियों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस बार अर्निंग सीजन में दिखाया, क्योंकि अब हम अर्निंग सीजन के आखिरी पड़ाव में हैं, अगले हफ्ते और आएंगे नतीजे कुछ कंपनियों के, उसके बाद हम फिर वापस मुड़कर देखेंगे और फिर वही स्टॉक्स देखिए फोकस में होंगे जिन्होंने अच्छे नंबर्स पेश किए। ये बताइए आप एक या दो स्टॉक्स कौन से खरीदना चाहते हैं? आईटी कंपनी के नतीजे एक्सपेक्टेड थे और जो इन्होंने डिलीवर किया आई थिंक काफी डिवर्स और पॉजिटिव साइड पे था। दूसरा आई थिंक अगर मैं स्टैकअप करूं तो इन्फोसिस ने जो पॉजिटिव गाइडेंस दी है, जो एक्सपेक्टेशन है मार्जिन्स मेंटेन करने का और कांस्टेंट करेंसी में जो ग्रोथ आ सकती है आई थिंक सराहनीय है। तो आई थिंक लार्ज कैप्स में जो स्टैकअप मुझे दिख रहा है जो इन्वेस्टर्स के पास वो होल्ड करना चाहिए अगले नतीजों तक, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, आई थिंक ये स्टैकिंग ऑर्डर में होगा। मिड कैप आईटी से आई थिंक जोरदार नतीजे मिड कैप आईटी कंपनियों में दिए थे, इसमें आई थिंक एक कंपनी जो मैं सजेस्ट करूंगा कि होल्ड करें फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव होगा लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक। इसकी हमने चर्चा भी की थी आई थिंक कुछ हफ्तों पहले, जबरदस्त मूव दिया है ये स्टॉक ने, बट मुझे अभी भी लगता है आई थिंक विद इन द मिड कैप आईटी स्पेस इसके नंबर्स, मार्जिन, रेवेन्यू क्रिएशन और बॉटम लाइन ग्रोथ ये होल्ड होनी चाहिए। तो एलटीआई लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक आप होल्ड करें अगले नतीजे।